केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बेगूसराय में हमला जो है किया गया, जिसके बाद अब हमला करने वालों का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से निकलकर सामने आया है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब उसके बचाव में आम आदमी पार्टी उतरती नजर आ रही है, जो कई तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। अब ऐसे में क्यों किया गया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला, हमलावर जो है उसका क्या कनेक्शन है आम आदमी पार्टी के साथ, और क्यों आम आदमी पार्टी कर रही है हमलावर का बचाव, आइए विस्तार से जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर बिहार के बेगूसराय में हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक गिरिराज सिंह जनता की समस्याएं सुन रहे थे और तभी हंगामा हो गया। इस दौरान एक व्यक्ति ने गिरिराज सिंह को मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गए। इसके बाद लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई करके पुलिस के हवाले कर दिया। अब इस घटना पर सियासत गर्म हो गई है। हमलावर मोहम्मद सैफी का संबंध आम आदमी पार्टी से बताया जा रहा है। पुलिस ने हमलावर मोहम्मद सैफी को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक गिरिराज सिंह पर हमला करने वाला व्यक्ति जो है उसकी पहचान मोहम्मद सैफी के तौर पर हुई है। वह एक वार्ड पार्षद है। इस बात का खुलासा होने के बाद आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बचाव में आ खड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी ने इस घटना पर उल्टा गिरिराज सिंह पर ही बड़े आरोप लगा दिए हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि घटना को लेकर वो मौके पर पहुंचकर लोगों से बात की तो मामला कुछ और निकला है। इन सबके बीच जो है बयानबाजियों का तो दौर है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस हमले के बाद खुद गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया है। एक तस्वीर भी उन्होंने त्रिशूल के साथ साझा की, तो उसी के साथ उन्होंने मीडिया के सामने भी ये जो है बयान दिया कि हम ऐसे लोगों से किसी भी जो है मोहम्मद सैफी से हम डरने वाले नहीं है, किसी भी तरीके के किसी हमले से हम डरने वाले नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इस तरीके से भी कोई मेरे ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि मैं बहुत सहज आदमी हूँ और इस तरीके से इतनी सिक्योरिटी भी नहीं मेरे जो है रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोग मुझे प्यार करते हैं, लेकिन ऐसे एक्का दुक्का लोग जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं ये मैंने अभी तक तो नहीं सोचा था। लेकिन मैं बता दूं कि मैं ऐसे हमला से जो है ऐसे हमलावरों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। और क्या कुछ कहना है गिरिराज सिंह जी का, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। देखिए, बेगूसराय में इस बार के चुनाव में मुसलमानों की जो भूमिका रही मेरे प्रति और आए हुए रिजल्ट, तो ठीक ही कहा जोगी जी ने, बटोगे तो कटोगे। और ये आदमी अगर इसके हाथ में रिवॉल्वर होता तो मेरी हत्या कर देता, जिस ढंग से इसने प्रहार किया। ये अलग बात है कि प्रहार उसका विफल हो गया और जिस ढंग के गंदी भाषा का प्रयोग किया वो शायद मैंने तो आज तक जीवन में किसी ने मुझे नहीं कह पाया था, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया। और मैं तो लगूंगा अपने एम से भटकूंगा नहीं, अपने काम से भटकूंगा नहीं, किसी के डराने से डरूंगा नहीं, मैं अपने अभियान में लगा रहूंगा, चाहे ऐसे ऐसे कितने लग जाएं जो आतंक फैलाने वाले हों, अपने को मौला कहते हों, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इस चुनाव में केवल मेरे कंसेंसी में तो लगा कि कोई ऐसा चुनाव मुसलमानों के द्वारा विरोध किया गया, उसी का प्रतिफल है इतना साहस कि मैं जनता दरबार में था, सारे SDO DSP वहाँ से बदतमीजी उसने शुरू की और अंतिम बदतमीजी, लेकिन ईश्वर की दया है मैं उस अपने पर अडिग हूँ और अपने मिशन में भी इधर उधर विचलित होने वाला नहीं। लोगों ने विश्वास नहीं किया होगा कि ऐसी घटना घट सकती है, इसीलिए क्योंकि मैं बड़ा ही इजी गोइंग रहता हूँ कंस्टिट्यूएंसी में या कहीं भी, तो इसको आप जो भी कह ले, लोगों को भरोसा नहीं था कि ऐसी घटना घट सकती है। मैं तो ऐसे भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा के बाद अपने अभियान भागलपुर, नौगछिया, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मैं उसकी भी बौखलाहट मैं तो करूँगा ही।
मैं पूरा भरोसा है कि प्रशासन अपना काम करेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि आपने सुना भी कि किस तरीके से गिरिराज सिंह ने अपनी बात जो है सामने रखी है। बता दें कि इस मामले में जिसने हमला किया उसका आम आदमी पार्टी का कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि आरोपी जो है शहजाद जुम्मा उर्फ सैफी उनकी पार्टी के वार्ड पार्षद है, वो एक अधिवक्ता भी है। आप नेताओं के मुताबिक वह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जनता दरबार में अपने क्षेत्र की समस्या लेकर पहुंचा था, लेकिन गिरिराज सिंह ने जब समय ज्यादा हो जाने की बात कहकर उसकी समस्या सुनने से इनकार कर दिया। इसके बाद सैफी ने कहा कि का सांसद के नाते वो ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर गिरिराज सिंह ने कहा कि वह उनके सांसद नहीं है। आप नेताओं ने कहा कि गिरिराज सिंह की इस बात पर मोहम्मद सैफी ने संवैधानिक रूप से वहां सांसद के खिलाफ नारेबाजी की, इससे सांसद के समर्थक का भड़क गए और मोहम्मद सैफी की पिटाई कर दी। आम आदमी पार्टी के नेता शिवदयाल ने आरोप लगाया कि गिरिराज सिंह हमेशा हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति चमकाते हैं, वो बेगूसराय में भी जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। आप नेत्री डॉक्टर मीरा सिंह ने कहा कि मोहम्मद सैफी पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है, क्या गिरिराज सिंह किसी वीडियो में यह दिखा सकते हैं कि उन पर हमला हुआ? उन्होंने कहा कि सामने आए वीडियो में इस बात का प्रमाण जरूर है कि गिरिराज सिंह ने उनको धकेला, उनके कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई की। डॉक्टर मीरा सिंह ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है कि जनता दरबार में अपनी मांग रखने पर आप उन पर मुकदमा करें। डॉक्टर मीरा ने कहा कि बलिया क्षेत्र में सड़क पुल पुलिया बाढ़ एक बड़ी समस्या, अगर सांसद के सामने वो अपनी समस्या नहीं रखेंगे तो क्या करें। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद ने उनको धकेला और उसके कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई कर दी, यह बात जो है निकलकर सामने आ रही है। वहीं जिस तरीके से को कहा कि विवाद जो है बड़ा है, बात विवाद चल रहा है और इसी बीच जो है एक और बयान सामने आया है और ये बयान है आपको बता दें कि बेगूसराय के एसपी मनीष का, क्या कह रही हैं मनीष जी जरा सुनिए। एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, आज दोपहर को मंत्री जी का प्रोग्राम था बलिया सब डिवीजन में, बलिया ब्लॉक में उनका प्रोग्राम था, जनसंवाद प्रोग्राम था। उसके बाद वहां से निकलने क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा अभद्र व्यवहार एवं प्रयास किया गया, जिसको सुरक्षा घेरे में प्रतिनियुक्त कर्मियों पुलिसकर्मियों ने तुरंत पकड़ा गया है, मगर कार्रवाई जारी है। व्यक्ति का नाम शहजाद उर्फ सैफी सामने आया है, जिसका कि आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है एवं अभद्र टिप्पणी एवं साथ में सट करके प्रयास करने के लिए उसमें उसको पकड़ा गया है। हाँ, अभद्र व्यवहार एवं पास पहुंच करके मतलब सुरक्षा घेरे को तोड़ा गया था, कोशिश की सुरक्षा घेरे को तोड़ कर नज़दीक पहुँच करके तो करने की, जिसको पकड़ा गया। जी, बलिया के रहने वाले हैं एवं वार्ड पार्षद बताया गया। विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, हम लोग उस पूछताछ के बाद हम आपको बता पाएंगे। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो है मामले की जांच की जा रही है, कार्रवाई जो है जल्द से जल्द देखने के लिए मिलेगी। आरोपी जो है उससे भी कई सारी बातें पूछी जा रही है और समय के साथ जो है जनता को भी अपडेट दिया जाएगा कि इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो है वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि आरोपी को पुलिस ने तो हिरासत में ले लिया, लेकिन इसका आम आदमी पार्टी का जो कनेक्शन है वो निकल कर सामने आया है, जिसमें ये पता चल रहा है कि कितने उग्र तरीके से ये चीज़ें कर रही हैं, कितने उग्र तरीके से अपने हिसाब से चीजों को कराने के लिए जो है ये प्रयास कर रही हैं। तो ऐसे में बेगूसराय में जो केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, उन पर हमला जो है देखने के लिए मिला और इसके बाद जिस युवक ने हमला किया उसका आम आदमी पार्टी का कनेक्शन निकलकर सामने आया है। मोहम्मद सैफी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है कि उसका आम आदमी पार्टी के साथ कनेक्शन है, वार्ड पार्षद है और आम आदमी पार्टी का पार्षद है। और अब इस मामले को लेकर जो है कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। मोहम्मद सैफी का केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो कनेक्शन निकलकर आया है, इसने अब इस मामले को ज्यादा तूल पकड़ा दिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता अब अपने पार्षद के बचाव में आकर गिरिराज सिंह के ऊपर ही तरह तरह की बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं और ये कह रही हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करते हैं और इस वजह से ये अपनी समस्या सुनाने गया था, लेकिन इसके साथ बदसलूकी की गई, यानी मामला ही पूरे तरीके से उल्टे तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि हमला करने वाले का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से निकल कर सामने आया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।